मजा आ रहा है, एसी चल रहा है और नायमा को मजा आ रहा है। अच्छा लाइट जलाती वहां से नायमा, मत जलाओ ठीक है। यहाँ पर नज्जू सोएंगे नायमा के सामने, मेरा पर्स मैंने नज्जू को दे दी हूँ। और ये सीरिन को उड़ा रहे हैं ऊपर और मैं नीचे हूँ सीरिन के तो। और ये हम लोग का एक ही बैग है ये रखा हुआ, बाकी पीछे वाले हैं नॉर्मली बैग टांगने के हिसाब से। और यहाँ नायमा सो रही है, यहाँ एक छोटा बैग रख दिया हम लोग ने इस तरीके से। और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा वो हो गया था, नाइट काफ़ी लेट हो गई थी और हम लोग बस सोने की तैयारी की सो जाते हैं बहुत देर, बाकी नींद वगैरह तो बच्चों को नहीं आ रही थी, बहुत नाटक कर रही थी नायमा हर थोड़ी थोड़ी देर में उठ उठ के कि मुझे नींद नहीं आ रही है। और शीरिन अपना सो गई थी क्या, वो भी टैबलेट चला रही है मज़े से, उनको भी नींद नहीं आ रही है। इन लोग के बहुत नाटक होते हैं, ये लगा दे रहे हैं पर्दा और फिर मैं नीचे सोऊंगी। और इतने अच्छे से नज्जू ने सभी का बिस्तर चादर वगैरह जो बेडशीट है बिछाए, पिल्लो रखे, इतने अच्छे से सभी को सेट करे अच्छे से, उनको भी सुकून लग रहा है कि मैंने अपना सारा काम किया हूँ अच्छे से, मतलब बच्चों को सुला दिया मुझे अच्छे से। और ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी होती, यही इतने अच्छे से सब कर देते। एक टॉवल वगैरह देते हैं अगर आपको हैंड वगैरह पोंछना है कोई ऐसी। और नायमा के अंदर बहुत ऐसा है कि उसको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उसे बहुत उससे नाजुकपन से केयर करके रखना होता है, बहुत ध्यान देके। और ये रहा मेरा बिस्तर जो मैं आप लोग को दिखा रही थी नीचे से, ये देखिए ये ऊपर दिया है। नायमा और नज्जू ऊपर सोएंगे दोनों और यहाँ मैं नीचे सोऊंगी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये देखिए नाइट हो चुकी है, ब्लू लाइट जलती है पूरे टाइम। और ये रहा पर्दा, मैं लगाती हूँ अपने इसमें सोती हूँ और मैं लगाती हूँ अपने लिए पर्दा। और ये मैंने देखी यहाँ लाइट जला ली हूँ क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें सेट करना है उस हिसाब से। और उसके ये देखिए ऊपर ही रहती है अपने उसमें। और अब मैं सोती हूँ, आप सभी को गुड नाइट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग जो कि पूरा डे और नाइट हम लोग ने ट्रेन में ब्यूटीफुल सफ़र किए, बहुत मज़ा आया। और ये देखिए सुबह के बजे हैं 6 कुछ, जो कि हम लोग उठ चुके हैं और रोशनी हो चुकी है और हम लोग को बस चेन्नई स्टेशन जाना है। सो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये देखिए इतना प्यारा सुहाना मौसम था और बहुत अच्छा लग रहा था। और बस हम लोग पहुंचने वाले हैं जस्ट स्टेशन। सो हम लोग उठ के सुबह वॉशरूम वगैरह चले गए थे, ब्रश वगैरह कर लिए बच्चों को भी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेडी वगैरह हो गई थी। नॉर्मली जो मेरा मेकअप रहता है वो मेकअप मैंने नॉर्मली कर ली थी, बच्चों को भी कर दी थी। यहाँ का ये वॉशरूम, ये हैंड वॉश करने का यहाँ पर है, मिरर वगैरह लगाया है। और ये गेट है जो कि अंदर जाने के लिए से इस तरीके से है, जो कि मैं अंदर जाती हूँ। और नज्जू ने सारी चीज़ें सब रेडी कर लिए थे और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सब देख लिए थे, हम लोग रेडी कर चुके थे फाइनली, क्योंकि हम लोग को बस ये देखिए स्टेशन आने वाला था, हम लोग उतरने वाले थे। तो उससे पहले हम लोग सब चीज़ें चेक करके फाइनली नाइट में भी वैसे सब कुछ पैक कर लिए थे अच्छे से, और नींद वगैरह भी सब अच्छे से आई। इनको तो उतने अच्छे से नहीं आ पाई, बट थोड़ा सा क्या होता है उठ उठ के बच्चों को भी देखना पड़ता है नाइट में, मुझे भी और इनको भी। और ये देखिए हम लोग ने सब अपना सेट कर दिए हैं, सब चीज़ें ऐसे यहाँ पर छोड़ के और बस हम लोग चले जाएंगे। ये देखिए सब पूरा खाली हो चुका है और ये मैं इस तरीके सिंपली रेडी हो गई थी, मैंने कंघी वगैरह कर ली थी, काजल लिपस्टिक लगा ली थी, पाउडर, बस सिंपली तरीके से बस। और अब इसके बाद हम लोग निकलते हैं बाहर,
और हम लोग का स्टेशन आ चुका है। सो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी चेन्नई स्टेशन किस तरीके से दिखता है, पब्लिक वगैरह यहाँ की कैसी है, क्या है, तो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। और ये हम लोग का डिब्बा था, यहाँ पर हम लोग थे और अब हम लोग ऐसे जा रहे हैं। बहुत प्यारा सफ़र रहा, बच्चों को तो बहुत मज़ा आया ट्रेन में। ट्रेन का सफ़र सच में बहुत प्यारा था, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। सो ट्रेन थोड़ा सा लेट हुई हल्की सी, सो मैं आपको दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। 6:43 जो कि 6 बजे था यहाँ पहुँचने का, 43 मिनट कुछ लेट हुई है और बस पता ही नहीं चला और हम लोग आ गए। सो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। अब नीचे उतरते हैं, सो आप लोग देखिए आगे कितना मज़ा आएगा। नाइमा को देखो अकेले उतर रही है। मम्मू कुटी बोल रही हूँ, चलो जाओ रख ली। हाँ कहाँ जा रहे, यहाँ रहेंगे और कोई नहीं, सब साथ में होटल। स्टेशन हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। सो मैं आप लोग को दिखाती हूँ आगे चेन्नई स्टेशन आ चुके हैं और सीरीन बहुत ज्यादा सर्च करते थे, जिस चीज को हम सर्च करते थे ढूंढते थे वो आज वहाँ पहुँच गए। आज हम ऐसे खोल रहे हैं, मैं सीधे वहीं पे पहुँच गए। ये देखो ये स्टेडियम जो दिख रहा था बेटा, ये स्टेडियम दिख रहा है। मैप से सर्च करते थे, आज वहाँ पहुँच गए। चले चलो नायमा, कौए ही होंगे। नायमा पकड़ो, नायमा जाओ डैडी के पास। शीन तुम भी चलो आगे। फाइनली चेन्नई स्टेशन आ चुके हैं और अच्छा लग रहा है, काफी बड़ा स्टेशन। यहाँ की लैंग्वेज बहुत चेंज है क्योंकि हमारे समझना इम्पॉसिबल। हाँ ज़्यादा सामान नहीं है, एक जो ब्लू बैग दिख रहे हैं और शीरिन के हाथ में जो है उसमें लस्सी की चिप्स नमकीन है पूरा, और एक बैग जो मैंने पीछे टांगी हूँ वो है, बस इतने ही बैग हैं हमारे। चेन्नई स्टेशन की भीड़ साइड हो जाओ, इधर आ जाओ, गाड़ी आ रही है। हाँ
ये वाला हम लोग ने वीडियो वगैरह देखते थे चेन्नई का स्टेशन का, तो ये वाला सीन देखे थे, तो हम लोग को वो सीन दिखा एग्जैक्ट, तो हम लोग एकदम देख के खुश हो गए कि हम लोग ने ये वाला सीन देखे थे। ये है चेन्नई स्टेशन। सो बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत भीड़ था यहाँ पर, और काफ़ी बड़े एरिए में बनाए हैं, जो कि मैं इसमें मतलब ऐसे में नॉर्मली मुझे बाहर निकलना था उतना ही मैंने क्लिप वगैरह ले ली हूँ, वीडियो वगैरह ली हूँ। इसके अलावा मैं अगर दिखाना चाहूँ तो बहुत सारा है, सो मेरे पास उतना टाइम वगैरह नहीं था। हमको जस्ट यहाँ से निकल के और हमको हमारी होटल वगैरह जाना था, और हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी अभी नहीं किए थे, चाय वगैरह नहीं पिए थे, तो सभी चीज़ें करना था। और बच्चे भी ये कि बस पहुँच जाते जल्दी से, रिलैक्स होते हम लोग को, तो बस हम लोग यहाँ निकल रहे हैं यहाँ से। तो वहीं से आप लोग को मैं सारी पब्लिक वगैरह दिखा रही हूँ, नॉर्मली यहाँ पर सभी, बट लैंग्वेज इतनी ज़्यादा चेंज है कि जब वो लोग बोलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। सो देख सकते हैं आप कितनी सारी यहाँ पब्लिक है, बहुत भीड़ है यहाँ। फाइनली चेन्नई स्टेशन आ गए हैं और बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ, मौसम तो खुला लग रहा है, इतना कोई ऐसे नहीं है प्रॉब्लम। यहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा दिख रही है, पब्लिक बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऑटो के लिए बट हम स्टेशन के पास ही होटल में स्टे करेंगे, इसके बाद सिर्फ घूमना 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 है हमारा। सो बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ की पब्लिक। अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का है, 7 बज रहा है, इसलिए मौसम ऐसा दिख रहा है। बहुत बड़ा है, अभी तक ख़त्म नहीं है, आप जहाँ जाओगे वहाँ स्टेशन दिखेगा। यहाँ काफ़ी बड़े एरिया में और काफ़ी बड़ा है, लग रहा है कि कहीं बड़ी जगह आए हैं। अच्छा ये मेट्रो लोकल का है, यहाँ लगा हुआ है मतलब। अरे नायमा को देख, उसको लगा तो नहीं, नायमा को चलो, रुकी क्यों थी बेटा। उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए, देखिए, बहुत मजा आएगा सारे वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।